नहान के मेला आता है, तो यहाँ पे काफी दूरों से जो है लोग नहान मेले में आते हैं यहाँ। तो इसी नगर हेवन ऑफ बिहार, बिहार का स्वर्ग एंड काश्मीर भी बोला जाता है। और ठंड के घने कोहरे के बढ़िया जगह है भाई, यहाँ घूमने तो सबको आना चाहिए ना, आना चाहिए, एकदम आना चाहिए, क्यों नहीं। और यहाँ का जो यहाँ कैसा लगता है लोगों को घूमने में, काफी हिस्टोरिकल एक ऐतिहासिक जगह है भाई, जहाँ पे दिल खुश हो गया भाई। और पानी की छत देखिए भाई, और यहाँ पे बहुत सारे अपने भाई लोग आ रहे हैं जो काफी घूमने के लिए। तो आप लोगों को कैसा होता है वाल्मीकि नगर? आप तो यहीं के हो, तो आप अपने सूरज दोस्त जो कि घर के पास में है, तो मेरे साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही लोग का प्यार नए और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग के साथ। बाय, अलविदा एंड जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों अभी फिलहाल मैं हूं अपने होम टाउन वाल्मीकि नगर, और आज का जो ब्लॉग होने वाला है जी हां, वाल्मीकि नगर कालीघाट के पास, जहां आप सुबह शाम एनी टाइम आप यहां सुकून ले सकते हैं। काफ़ी आरामदायक और ठंडी ठंडी हवाएं मिलती हैं इस समुद्र की लहर से। और वाल्मीकि नगर एक ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस है ना, और यहाँ पर बहुत सारे अपने भाई लोग आ रहे हैं जो काफ़ी घूमने के लिए। तो आप लोगों को कैसा होता है वाल्मीकि नगर? आप तो यहीं के हो, तो आप लोगों को कैसा लगता है भाई? वाल्मीकि नगर बहुत बढ़िया जगह है भाई, यहाँ घूमने सबको आना चाहिए ना, आना चाहिए, एकदम आना चाहिए जी। और यहाँ का जो कालीघाट का सुकून मिलता है ना, चाहे आप सुबह आइए शाम में आइए, यहाँ का जो ठंडी ठंडी हवाएं पानी की जो मिलती है, काफ़ी एक्साइटमेंट। चलिए चलते हैं और आज के इस ब्लॉग पे कालीघाट के पास का नज़ारा दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। और वाल्मीकि नगर का द हेवन ऑफ बिहार भी बोला जाता है, बिहार का स्वर्ग एंड काश्मीर भी। और यहाँ से नेपाल आपको 0 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। और वेस्ट चंपारण का ये लास्ट आखिरी छोर है, क्योंकि इसके बाद कोई पश्चिमी चंपारण वेस्ट चंपारण नहीं है, ये बगहा के बाद यही वाल्मीकि नगर एंडिंग वेस्ट चंपारण ने दिया है बिहार का। चलिए चलते हैं कुछ नज़ारों के साथ और दिखाते हैं कालीघाट का नज़ारा, फिर मिलते हैं आप। बाकी दोस्तों वाल्मीकि नगर आप आते हैं और वो रहा गंडक ब्रिज के पास, और यहाँ से आप सीधे आइए गंडक ब्रिज से आधे किलोमीटर की दूरी पे, यहाँ पे एक बोट दिखेगा जहाँ की समुद्र की लहरों से आपको एब्सोल्युटली ग्रीन वाटर मिल रहा होगा और पेड़ पौधों के नज़ारा। बाकी इस साइड आपको इको पार्क की तरफ चले, चलिए चलते हैं कुछ नज़ारों के साथ हम लोग। बहुत सारे जो है पर्यावरण, मतलब एक बिहार सरकार के द्वारा बोर्ड लगाया पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग वाल्मीकि व्याघ्रक्षेत्र के इको पर्यटन केंद्र वाल्मीकि नगर में आपका हार्दिक जंगल कैंप की दूरी 500 मीटर, यहां लगभग दूरी आना चाहते हैं तो आप चाहें तो यहां से भी एक विजिट ले सकते हैं। चलिए अपने भी है कालीघाट टेम्पल, जहाँ से आप विजिट भी कर सकते हैं। और चलते हैं समुद्र की लहरों के बीचों बीच नीचे की तरफ और दिखाते हैं क्या खूबसूरती है वाल्मीकि नगर का। कालीघाट मंदिर का ब्लॉग देखना चाहोगे तो आप लोग जरूर कमेंट करना। बाकी देखिए उस साइड नेपाल है भाई साहब, ठंड का मौसम है, और वो रहा गंडक डैम नेपाल है, ठंड के घने कोहरों के कारण जो है आपको नहीं दिख रहा होगा। बाकी देख सकते हैं वो है गंडक ब्रिज डैम, जहां से 36 पाया है जो कि इंडिया और नेपाल बॉर्डर को कनेक्ट करता है। बाकी देखिए कितना ग्रीनरी वाटर है भाई साहब, और यहाँ आने के बाद सुकून ही सुकून मिलेगा आपको वाल्मीकि नगर का। यही है अपना वाल्मीकि नगर का कालीघाट का, सुबह शाम आप दोपहर जब चाहें सुकून और आरामदायक आना चाहते हैं तो भाई बिल्कुल विजिट करें भाई। और उस वो रहा गंडक ब्रिज डैम, जहां से आपको इंडिया और नेपाल बॉर्डर को कनेक्टिविटी करती है। बाकी उस साइड नेपाल रहा, फिलहाल माउंटेन तो नहीं दिख रहा है क्योंकि घने कोहरे के कारण, खैर कोई नहीं। बाकी देखिए चारों तरफ साफ सफाई और कितना ग्रीनरी, एब्सोल्युटली वाटर है भाई साहब वाल्मीकि नगर कालीघाट, सुकून आरामदायक। तो नहान के मेला आता है, तो यहाँ पे काफ़ी दूरों से जो है लोग नहान मेले में आते हैं यहाँ। तो इसी कालीघाट के पास वो भी दिखाएंगे नेक्स्ट टाइम अगर वो लोग आता है तो। एक यहाँ सीढ़ी है साइड है, लेडीज वगैरह अपना स्नान करनी है तो उधर दिखाना गलत है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी देखिए, वाटर एब्सोल्युटली ग्रीन वाटर है भाई साहब, दिल खुश हो गया भाई। और पानी की छत देखिए भाई, यही है कालीघाट का कुछ सुंदर सा आरामदायक। अगर आप सुकून लेना चाहेंगे शाम सुबह दोपहर तो ज़रूर यहाँ विजिट करें, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा है और इस समुद्र की पानी की लहर को देखते हुए देख सकते हैं कितना सुंदर सा नज़ारा आपको दिख रहा है भाई। भाई साहब वाल्मीकि नगर का कालीघाट का नज़ारा, जहाँ आप आरामदायक सुकून अगर जीन रहना चाहोगे तो ज़रूर आएँ, विजिट करें, काफ़ी सुंदर सा है। बाकी दोस्तों देख के तो आपको लग रहा है दिल खुश हो गया है ना, वाल्मीकि नगर का बिहार का
कालीघाट इकलौता टाइगर रिजर्व, जी हाँ BTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नगर द हेवन ऑफ बिहार, बिहार का स्वर्ग एंड काश्मीर भी बोला जाता है। और ठंड के घने कोहरे के कारण जो है आपको दिख रहा है कि उस साइड का जो नेपाल साइड का जो माउंटेन है नहीं दिख रहा है, और धूप भी सुबह का टाइम है। और अगर आप आराम सुकून लेना चाहोगे तो शाम सुबह दोपहर यहाँ ज़रूर समुद्र की लहर की पानी की और सुकून से रहना चाहोगे तो ज़रूर आएँ वाल्मीकि नगर का कालीघाट जो कि काफ़ी पास में है। मैं अपने सूरज दोस्त जो कि घर के पास में है तो मेरे साथ में है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही लोग का प्यार और सपोर्ट है भाई। तो यहाँ कैसा लगता है लोगों को घूमने में? काफ़ी हिस्टोरिकल एक ऐतिहासिक जगह है भाई, जहाँ पे काफ़ी दूरों से जो है लोग आते हैं ना घूमने के लिए, और ज़रूर आना चाहिए। बाकी सूरज भाई बहुत मेहनत करता है, इसको सपोर्ट जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों आप लोग का ये एक छोटा सा ब्लॉग पसंद आया वाल्मीकि नगर का कालीघाट, और देखिए काफ़ी एब्सोल्युटली ग्रीन वाटर है भाई साहब। वाल्मीकि बिहार वेस्ट चंपारण में आता है, जो कि बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व, जिसको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी बोलो। और उस साइड जो डैम देखे हैं ना, वो है आपको इंडिया और नेपाल बॉर्डर को कनेक्टिविटी कहते हैं, जो कि नेपाल यहाँ से 0 किलोमीटर दूरी पे। और घने कोहरे ठंड के वजह से जो है माउंटेन जो है नेपाल साइड का वो नहीं दिख पा रहा है, और बाकी इस साइड का भी देख सकते हैं नज़ारा कुछ ऐसा है, काफ़ी ग्रीन वाटर है। तो होप कि आप लोगों को ये छोटा सा, और अगर आप सुकून से रहना चाहोगे शाम सुबह दोपहर जब भी हो, अगर आपको पास टाइम मिले तो यहाँ ज़रूर विजिट, ठंडक हवाएं समुद्र की लहर से। चलिए मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, अपने से बाय, अलविदा एंड जय हिंद। और इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा ताकि मेरा नए और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग के साथ, अपने से बाय, अलविदा एंड जय हिंद।